हिमाचल प्रदेश में 11 दिसंबर 2022 को कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई, 11 दिसंबर 2023 को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। ये एक वर्ष हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा साल है जब विकास पिछड़ गया। हिमाचल प्रदेश जो विगत 5 वर्षों में तेज गति से आगे बढ़ रहा, उसके सभी कार्यों को बंद करने का श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है। 1500 से ज्यादा संस्थान जो भाजपा सरकार द्वारा खोले गए थे, जनहित में खोले गए थे, जनता की सुविधा के लिए जनता की मांग पर खोले गए थे, उन संस्थानों को बंद करने का एक अन्यायपूर्ण कार्य इस वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार ने और इस एक साल के अंदर हिमाचल प्रदेश को बहुत पीछे ले जाकर के खड़ा किया। लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से बिखर गया। हमारे सामने है चंबा के अंदर जिस तरह नृशंस हत्याकांड हुआ, एक दलित बालक और उसके टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिए जाते हैं। ये चंबा से लेकर के सिरमौर तक लगातार हत्याओं का क्रम, बलात्कार का क्रम, बहनों के साथ छेड़छाड़ का क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। नशे के मामले सर्वाधिक पिछले एक साल के अंदर हुए। जिस तरह से हमीरपुर जिला में एनआईटी के अंदर और नशे का मामला सामने आए, युवाओं के और मृत्यु के ग्रास बनना पड़ा है, बड़ा चिंतनीय। अर्थात लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गया, विकास बंद हो गया, केवल और केवल केंद्र सरकार की योजनाओं के आधार के ऊपर चलने वाले विकास कार्य चल रहे हैं, अन्यथा हिमाचल प्रदेश बैकफुट के ऊपर आकर के खड़ा हो गया है। यह सरकार सत्ता में आई, बड़ी बड़ी गारंटियां, बड़े बड़े लालच वो जनता को दिए। इन्होंने कहा था 1 लाख नौकरियां हम पहले साल दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे। इन्होंने कहा था 22.5 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना पहली कैबिनेट में दे देंगे, 700 करोड़ रुपए का फंड युवाओं के लिए हम पहली कैबिनेट में जनरेट कर देंगे, 10 लीटर दूध प्रति परिवार से 100 रुपए लीटर के दाम में लेंगे, 2 रुपए किलो गोबर लेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और सारा का सारा पहली कैबिनेट में करेंगे। जनता को धोखा देकर के सत्ता में आए, एक साल हो गया, इनकी गारंटियां फेल हो गई और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में विरोध दिवस के नाते 11 तारीख को मनाई। सभी प्रशासनिक जिलों और संगठनात्मक जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख को प्रदर्शन करे। सरकार की नाकामयाबियों का, सरकार के फेलियर्स का और जिस तरह से जनता को धोखा दिया है उसको एक्सपोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख को करे। 12 तारीख को मंडी के अंदर और 18 तारीख को कांगड़ा के अंदर यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शेष सभी जिला स्थानों पर 11 तारीख को किया जाएगा। यानी हम जनता को धोखा भी दिए जा रहे हैं और फिर झूठ बोले जा रहे हैं। आपने कहा हमने गारंटियां पूरी कर दी, वो मालूम हो गया किस तरह से बघेल जी छत्तीसगढ़ से आए थे और यहां आकर के झूठी गारंटियों की बौछार लगाई, वो वहां भी फेल हो गए और यहां पर कांग्रेस पार्टी फेल हो गई। इसी तरह से आज हिमाचल का जनमानस त्रस्त है और सरकार केवल और केवल अपने मित्रों को
कैबिनेट रैंक देने में मस्त है। इन सभी चीजों का भारतीय जनता पार्टी 11 तारीख को खुला विरोध करेगी।